Dear students, welcome on RC online Patsala. Today we start next question of exercise 5.1. Question is A equal to this one matrix and prove that AT A inverse equal to cos 2 alpha sin 2 alpha minus sin 2 alpha or cos 2 alpha. ये आपको प्रूव करना है. तो देखिए कैसे करेंगे. सब एट फर्स्ट गिवन दैट क्या है A इक्वल टू 1 tan alpha माइनस tan alpha और क्या है 1. अब उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में AT A इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि यहां पर A इनवर्स का एग्जिस्टेंस है भी या नहीं. अगर A इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं किया तो ये क्वेश्चन तो हम कर ही नहीं पाएंगे. तो देखो इधर सिंस डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू क्या आएगा 1 tan alpha माइनस tan alpha और 1 तो क्या होगा एम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और ये क्या होगा sec स्क्वायर अल्फा और ये क्या है नॉट इक्वल टू 0. भाई 1 और इसको करोगे तो माइनस tan स्क्वायर अल्फा लेकिन इधर करते हैं तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा माइनस माइनस हो जाता है. तो sec स्क्वायर अल्फा और ये मैंने सिखाया हुआ भी है तो sec स्क्वायर अल्फा 0 नहीं है. और हम जानते हैं क्या जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो अब देखिए LHS लिखते हैं. LHS क्या है अपना AT A इनवर्स है. अब देखो AT क्या है आपके पास फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया. ऐसे ही सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दिया माइनस tan alpha और 1. उसके बाद A इनवर्स क्या होगा A इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A यानी कि 1 अपॉन sec स्क्वायर अल्फा और एडजॉइंट ऑफ A क्या आएगा अभी थोड़ी देर पहले बताया था प्रिंसिपल जो डायगोनल होता है इसके एलिमेंट्स को चेंज कर दिया जाता है. तो 1 1 कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और यहां प्लस है तो मैंने माइनस लगा दिया और यहां माइनस है तो इसको मैंने प्लस बना दिया. केवल और केवल ये काम हुआ है. अब उसके बाद यहां पे भी लिख सकते हो वेयर A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू में एडजॉइंट ऑफ A ये आपके पास आ चुका है. तो कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में करते टाइम सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को लिखा जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था. उसको लिखने के बाद हमने क्वेश्चन को देखा कि AT A इनवर्स की बात किया है. A इनवर्स की बात करते ही मैंने बोला था कि A इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 हो. अगर ये 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 डिफाइंड फॉर्म नहीं होता है. इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ A किया और वो क्या करोगे 1 1 tan alpha माइनस tan alpha जो मैट्रिक्स है उसको डिटरमिनेंट बनाया और इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं 1 और इसको क्या करोगे प्लस tan स्क्वायर अल्फा वो होगा sec स्क्वायर अल्फा. sec स्क्वायर अल्फा 0 के इक्वल नहीं होता है और नहीं होता इसलिए क्या हो गया देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट. अब A इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप LHS लो फिर कोई दिक्कत नहीं है. तो AT फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम बना सेकंड रो है सेकंड कॉलम बना और A इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A और डिटरमिनेंट ऑफ A क्या है अभी आपने फाइंड आउट किया है sec स्क्वायर अल्फा और एडजॉइंट ऑफ A कैसे फाइंड आउट करोगे जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को चेंज करो और जो दूसरा डायगोनल है उसके यहां पर माइनस और यहां माइनस है तो प्लस लगा दो. केवल ये काम करना था. अब ध्यान दीजिए ये मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स लेकिन ये कांस्टेंट है इसको आप बाहर निकाल लो 1 अपॉन sec स्क्वायर अल्फा उसके बाद देखो 1 माइनस tan अल्फा 1 और यहां पे क्या होगा 1 माइनस tan अल्फा और यहां पर क्या होगा 1. अब आप क्या करें इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा देखना कैसे मल्टीप्लाई होता है.
वन अपॉन sec स्क्वायर अल्फा, उसके बाद देखो वन को वन से मल्टीप्लाई करो, वन tan अल्फा को माइनस के को इससे मल्टीप्लाई करो माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ऐसे ही उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस tan अल्फा, इसको अब इससे करो माइनस tan अल्फा, अब इसको इससे करो, ये सब मेरा आपको सिखाया हुआ है, इसको इससे करो प्लस tan अल्फा और उसके बाद माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस वन, ये आपके पास मिल गया है। अब देखो वन अपॉन sec स्क्वायर अल्फा और यहां पर आया वन माइनस tan स्क्वायर अल्फा, यहां आया माइनस टू tan अल्फा, यहां पे आया टू tan अल्फा और यहां पे आया वन माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है, ये आपने समझ लिया होगा ठीक प्रकार से, उसके बाद देखिए कैसे होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखा आपने और यहां पर देखा ये कोस और साइन की बात कर रहा है, आपने जब टेंथ क्लास में पढ़ा होगा तो सर ने बताया होगा कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको टेन कोट या सेक कोसेक में दिखते हैं तो उनको हमेशा साइन थीटा कोस थीटा में ब्रेक करके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, वही पैटर्न मैं यहां पे लगाऊंगा। तो देखिए वन, एक बात ध्यान दो, कोस अल्फा क्या होगा वन अपॉन सेक अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा वन अपॉन sec स्क्वायर अल्फा, क्या बनेगा वन अपॉन sec स्क्वायर अल्फा, क्या बनेगा cos स्क्वायर अल्फा, भाई दोनों तरफ हम क्या कर दो स्क्वायर कर दो तो cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आएगा वन अपॉन sec स्क्वायर अल्फा, अब इनको और ब्रेक करो साथ में तो वन माइनस tan स्क्वायर अल्फा को क्या लिखोगे sin स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos स्क्वायर अल्फा, उसके बाद ये होगा माइनस टू साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा और यहां पर होगा टू साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा और यहां होगा वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कोस स्क्वायर अल्फा, ये देख लीजिए। अब ध्यान दीजिए कोस स्क्वायर अल्फा, उसके बाद कोस स्क्वायर अल्फा, उसके बाद ये एलसीएम लो तो क्या मिलेगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा, ऐसे ही इसको लिखो माइनस टू साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, ऐसे ही अब आप यहां पर देखिए टू साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा और यहां कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कोस स्क्वायर अल्फा, यहां तक आपने कर दिया। अब आपका स्टेप क्या बचा, यहां किया क्या है मैंने, इस वन के अपॉन में वन लगा लो और एलसीएम ले लो सिंपली तरीके में, कोस स्क्वायर अल्फा लिया तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसे यहां पर कर लिया और ये तो आपको पता ही है। उसके बाद अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, इस स्टेप के इधर देखिए आप ध्यान से, इस कोस स्क्वायर अल्फा को अंदर भेज दो तो अंदर भेजा तो ये इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में होगा कोस स्क्वायर अल्फा, तो इसको और इसको कैंसिल आउट कर देगा तो यहां से क्या आएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, भाई मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, यहां कोस स्क्वायर अल्फा होता और यहां पे कोस स्क्वायर अल्फा होता तो ये कैंसिल आउट होता ना, तो मैं इसको शो नहीं कर रहा वैसे बता दिया है आपको, ये लो। उसके बाद यहां पर क्या होगा माइनस टू साइन अल्फा और कोस अल्फा और यहां पर होगा टू साइन अल्फा कोस अल्फा, जो भी मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां कोस स्क्वायर अल्फा आएगा, तो कोस स्क्वायर अल्फा को कोस अल्फा से जब कैंसिल आउट करोगे तो यहां पर क्या बचेगा कोस अल्फा, ऐसे ही वहां पर क्या बनने वाला है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये आपको फॉर्मूले आते ही हैं, इलेवंथ क्लास में सीखा था कोस टू अल्फा क्या होता है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और यहां पे क्या होगा माइनस
टू साइन अल्फा कोस अल्फा क्या बनेगा साइन टू अल्फा और ये क्या हो गया साइन टू अल्फा और ये क्या हो गया कोस टू अल्फा और ये आपका क्या है आरएचएस और ये ही आपको प्रूव करना था। तो मेरा कहने का मतलब समझो कि केवल और केवल आपने पढ़ा था कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या था कोस टू एक्स लेकिन यहां पर अल्फा एंगल है वहां पर थीटा या एक्स होता था जब आप इलेवंथ में पढ़ रहे थे और ये टू साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन टू थीटा तो मैंने यहां पे क्या किया है अल्फा यहां पर क्या है एंगल है तो साइन टू अल्फा बना। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है।